मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं केस स्टडी मेथड। ये ऑब्जेक्टिव मेथड है। ऑब्जेक्टिव में आज हम ले रहे हैं व्यक्तिशय अध्ययन विधि, यानी ऐसी विधि जिसमें हम किसी बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। लेकिन बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जीवन इतिहास को देखते हैं, यानी बालक का जो भी पहले का जीवन रहा है उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं। सामान्य शब्दों में अगर मैं से कहूँ, मानव जीवन के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही व्यक्तिशय अध्ययन या केस स्टडी कहलाती है, या इसे हम जीवन इतिहास विधि भी कहते हैं। इस विधि का जो मुख्य उद्देश्य होता है वास्तव में क्या है, द पर्पज ऑफ द केस स्टडी इज द प्रीडोमिनेंटली डायग्नोस्टिक, यानी जो जीवन इतिहास विधि है उस विधि के द्वारा हम किसी कारण का निदान करते हैं कि वास्तव में बालक ऐसा क्यों है। अगर मैं देखूं, जैसे मैं एक शिक्षक हूं, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो घर से कॉलेज की कहकर आते हैं लेकिन वो कॉलेज नहीं आते। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दिन प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे मेरी क्लास बंक कर रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी क्लास में अन्य बालक हैं उनके साथ समायोजित नहीं हो पा रहे हैं या अपने आप को उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं आपको जो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कहलाते हैं। तो ऐसे बच्चे की उनका व्यवहार अनुचित क्यों है, हम उस व्यवहार को अनुचित होने का जो कारण है वो हम इसमें निकालते हैं केस अध्ययन विधि में, यानी व्यक्तिशय अध्ययन विधि में हम बालक अपना अनुचित व्यवहार क्यों कर रहा है उसका हम कारण जानते हैं और फिर हम उसका निदान करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली आपने देखा बालक का जो अनुचित व्यवहार होता है उसमें उसका पारिवारिक, उसका सामाजिक, उसके माता पिता, उसका आर्थिक, ये सारा इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर किसी का पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं है तो उसका प्रभाव बालक पर भी कहीं ना कहीं पड़ रहा होगा। अगर उसका आर्थिक जो स्तर है वो अन्य बालकों जैसा नहीं है तो इसके आधार पर भी बालक में हम कई प्रकार के अनुचित व्यवहार देखते हैं। हो सकता है बालक चोरी करना सीख जाए, अपने आप को उन बालकों के समक्ष बराबर बिठाने के लिए वो क्या करेगा, उनके जैसा इकोनॉमिक स्टेटस लाने के लिए वो चोरी करना भी सीख सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो बालक के अनुचित व्यवहार को मतलब आगे बढ़ाते हैं। तो वास्तव में इस विधि में हम क्या करते हैं, उनके अनुचित व्यवहार को के अनुचित व्यवहार क्यों है इसका हम कारण जानने की कोशिश करते हैं। अब देखें, इस कारण को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनके माता पिता, उसके शिक्षक, उसके पड़ोसी और उसके मित्रों से हमें संपर्क साधना होता है, यानी हम उनसे मिलते हैं। सबसे पहले हम बालक के माता पिता से ही संपर्क करते हैं कि भाई बालक घर से तो विद्यालय कहकर जाता है लेकिन वो विद्यालय में क्यों नहीं आता। तो सबसे पहले हम उसके माता पिता से मिलते हैं, भाई आपका बच्चा ऐसा कर रहा है इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। फिर दूसरी बात, फिर हम सेकंड आते हैं विद्यालय में शिक्षक के पास कि शिक्षक से हम संपर्क करते हैं कि आपका विद्यार्थी कक्षा में क्यों नहीं आ रहा, क्या आप उसे उस तरीके से नहीं पढ़ा रहे, या आप उसे डांट रहे हैं, या वो सोता है क्लास में, या अपने होमवर्क पूरा नहीं करता। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हम उसके शिक्षक से भी संपर्क साधते हैं। फिर हम उसके पड़ोसियों से मिलते हैं कि भाई ये बालक पहले रेगुलर मेरी क्लास में आता था, आजकल विद्यालय नहीं आ रहा, इसके पीछे का कारण क्या है। तो हम उसके पड़ोसियों से भी उसके बारे में फीडबैक ले लेते हैं, ऐसे उसके फ्रेंड सर्कल से भी हम, तो उसके संपर्क में जितने लोग हैं सॉरी बालक के संपर्क में जितने भी लोग आते हैं हम उन सबसे क्या करते हैं, मिलते हैं, एक साक्षात्कार लेते हैं और उनके आधार पर हम बालक के वंशानुकरण, पारिवारिक, सामाजिक, वातावरण, रुचियों, संवेगात्मक विकास से संबंधित क्या करते हैं, डेटा एकत्रित करते हैं और उस डेटा का एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद हम बताते हैं कि बालक के जो व्यवहार है अनुचित क्यों है, उसका कारण हम निकाल लेते हैं और उस कारण को ज्ञात करने के बाद फिर हम उसका समाधान भी बताते हैं। तो वास्तव में व्यक्तिशय अध्ययन विधि क्या है, बालक से जुड़े जो भी प्रीवियस उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसका जो भी इतिहास रहा है, उसके बारे में हम उससे संबंधित लोगों से संपर्क करते हैं, उससे संबंधित इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डेटा एकत्रित करते हैं और बालक के अनुचित व्यवहार का कारण जानने की कोशिश करते हैं और फिर हम उसका समाधान करते हैं। थैंक यू।